फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो कि बेस्ड होगा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है इमोशन डेवलपमेंट। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट है क्या। तो इमोशन दैट मीन्स होता है ये बच्चे के अंदर एक पैदाइशी एक बेसिक इंस्टिंक्ट रहता है जिसका नाम है इमोशंस। ओके, इमोशंस मीन्स होता है उर्दू में इसको बोलते हैं हिजान। ओके, यानी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि वो हैप्पी है या गम में है, यानी स्ट्रेस में है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये उसके इमोशंस से जाहिर होती है। ओके, तो इसको बोलते हैं इमोशंस। तो ये कैसे डेवलपमेंट होता है और अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में या मिडिल चाइल्डहुड में, ओके, ये इसका क्या क्या ऐसा रीजन्स है जो ये शो होता है, दिखाई देता है कि बच्चा का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग वीडियोस। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सब स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चिल्ड्रेन ग्रो एंड डेवलप, दे विल डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल्स विच इज अलाउड टू देम। ओके, पॉइंट नंबर वन, एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन कल्चरली एक्सेप्टेबल वे। बच्चे का जो इमोशंस होता है वो ऐसा कि उसको कल्चरली एक्सेप्ट करना होगा या कल्चर को, या वो कल्चर को एक्सेप्ट करता है। पॉइंट नंबर टू, इंगेज इन सोशल रिलेशनशिप। बच्चों को उसका इमोशन डेवलपमेंट तभी अच्छा हो सकता है उसको सोशल यानी सोसाइटी में रह करके आसपास के लोगों से मिलजुल करके रहना होगा, तभी उसको उसका इमोशंस अच्छी तरीके से डेवलप होगा, तभी वो एक अपना जो प्रॉब्लम है, जो खुशी का इजहार दूसरों को अच्छी तरीके से कर सकता है। डेवलप कॉन्फिडेंस इन ट्रैकिंग द न्यू टास्क एंड सिचुएशंस। और ये भी उसको इमोशंस यानी उसको कॉन्फिडेंस होगा जब उसको कोई नया टास्क दिया जाए, उसके ऊपर ऐसा कुछ सिचुएशंस आ जाए जिससे वो आसानी तरीके से कुछ डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग बने। डेवलप द इंडिपेंडेंस, और वो कोई भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इंडिपेंडेंट रहे, उसके ऊपर कोई प्रेशराइज ना रहे, प्रेशर ना करे। आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और बच्चों को इमोशन डेवलपमेंट के हवाले से ये भी उसका कंसेप्ट होना चाहिए या कंसेप्ट पैदा हो जाता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। नेक्स्ट वन इज इमोशंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे में कौन कौन से इमोशनली डेवलपमेंट होता है, इमोशन डेवलपमेंट होता है। नंबर वन इज फियर, डर, खौफ। चाइल्ड आर नाउ लेस इगोसेंट्रिक, यानी मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा इगोसेंट्रिक रहता है बट बहुत ही कम। है बॉर्डर सोशल एक्सपीरियंस, लेकिन आसपास के माहौल में रह करके उसको हल्का फुल्का सोशल का एक्सपीरियंस, सोसाइटी का एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड मोर इफेक्टिव मेमोरी, और इसका मेमोरी भी धीरे धीरे इफेक्टिव होने लगता है। और इसका थिंकिंग जो स्किल है, थिंकिंग स्किल्स, दे आर नाउ हैव टू न्यू कंसर्न्स। थिंकिंग स्किल डेवलप होता है और उस थिंकिंग स्किल में नया नया कंसेप्ट, नया नया कंसर्न्स, इश्यूज आने लगते हैं और वो वर्ल्ड को एक नए हिसाब से देखने लगते हैं, आसपास के माहौल को भी। दे आर नाउ मोर अवेयर, वो बहुत ही मतलब होशियार और अवेयर हो जाता है ऑफ मीडिया इवेंट्स, आसपास के जो इवेंट्स होते हैं आसपास से जहाँ बच्चा इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा स्कूल से में इन्वॉल्व रहता है, स्कूल के बच्चों में पीयर ग्रुप्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस, वो कुछ एक्सपेक्ट करने लगता है, किसी से कुछ मतलब की उम्मीद लगाने लगता है। फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप, इसी दौरान बच्चे में फैमिली अपने मतलब की फैमिली मेम्बर से, आसपास के नेबरहुड से, अपने दोस्तों से रिलेशनशिप बढ़ जाता है। एंड हॉस्पिटलाइजेशंस एंड डेथ, ओके, और इसका भी धीरे धीरे कंसेप्ट हो जाता है कि हॉस्पिटलाइजेशंस यानी मेहमान नवाजी बोलिए, और डेथ का जो कंसेप्ट है धीरे धीरे भी पैदा होने लगता है। दिस अवेयरनेस में लीड टू वरी एंड फ्रूटफुलनेस, फियरफुलनेस। ओके, ये जो अवेयरनेस है, ये जो होशियारपन है, ये इसको लीड करता है कोई किसी भी मतलब की परेशानी का हल निकालने में, और खौफ में यानी डर में, डर से अपने अंदर से भय निकालने का एक प्रोसेस है। विच दे मे ट्राई टू हाइड फ्रॉम द अदर्स, और यही चीज मतलब कि अपने आप को गलत साबित ना करे, अपने आप को मतलब कि वो किसी के सामने ऐसा ना लगे वो डरा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को छुपाने लगता है। अडल्ट नीड टू बी सेंसिटिव टू द चिल्ड्रेन, इसलिए अडल्ट को जो चाहिए, इंस्ट्रक्टर को जो चाहिए, जो को चाहिए यानी पीर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के प्रति मतलब उसको उसके बहुत ही सेंसिटिव रहे। ओके,
और उसको मूड्स को अच्छा तरीके से बना के रखें एंड डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप, और उस बच्चे के साथ बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखें और उसको इनकरेज किया जाए बच्चे को एंड टॉक अबाउट देयर फियर्स, और उसके ऐसा बात किया जिससे वो डरे नहीं, उसको इंकरेजमेंट किया जाए, उसको हौसला अफजाई किया जाए। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट अबाउट द इमोशनल डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। अब देखें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मिडिल चाइल्डहुड में इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से। तो इमोशंस बिकम द मोर कॉम्प्लेक्स, ओके, इमोशंस बन जाता है बच्चों में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे है माना जाता है, एंड चिल्ड्रेन बिकम द मोर स्किल्ड एंड हाइडिंग टू दे फील, और बच्चे मतलब कि अपने इमोशंस को छुपाना चाहते हैं कि ओके सम टाइम ऐसा ना हो कि किसी सामने रोने लगे, जरा सी बात पे रोने लगे या डर जाए, तो इस बात को बच्चे छुपाते हैं मिडिल चाइल्डहुड में और लेट चाइल्डहुड में। और एक प्रोसेस है मतलब कि बच्चे के अंदर ये चीज पैदा होने लगता है स्ट्रेस दबाव, वो कोई भी चीज के दबाव में प्रेशराइज में आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो अकर ये दोनों चीज कब होता है, अकर व्हेन इवेंट्स होल्स ओवरवेल्म्स अस द सीम्स आउट ऑफ द कंट्रोल, यानी बच्चा जब कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी स्ट्रेस को, कोई भी दबाव को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तब ये प्रॉब्लम होने लगता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। और है कैन इंटरफेरेंस विद पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप, इसीलिए बच्चे को चाहिए यानी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप को बना के रखे एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्किल एंड सेल्फ इस्टीम, बच्चों में बहुत ही अच्छी तरीके से सोशल डेवलपमेंट हो, अच्छा रिलेशनशिप बना रहे और उसका जो सेल्फ इस्टीम है, खुद का जो विल पावर है वो बरकरार रहे, वो मतलब कि वो डिसअपॉइंट ना हो। मच ऑफ द चिल्ड्रन चाइल्ड स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फियर, ये सब जो ऐसा है जो बच्चे को खौफ में डाल देते हैं और उसके इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द मिडिल चाइल्डहुड। आई होप कि आप लोग ये स्लाइड और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये वीडियो और स्लाइड पसंद आए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी किस्म का दिक्कत डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।